आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि एक प्रवर्धक अपन ने पढ़ा था और वो उबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में था, ठीक है। और वहाँ पर अपन ने उसका धारा लाभ निकाला था कि करंट जब फ्लो होती है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट जो होता है, उसकी मदद से अपन ने वहाँ पर करंट गेन का मान निकाल लिया था। बताया हुआ है आपको चार टास्क आपके पास रहेंगे, जो भी प्रवर्धक पढ़ोगे उसमें चार टास्क रहेंगे। फिर से देख लीजिए कौन सा। फर्स्ट होगा धारा लाभ, ठीक है, मीन्स करंट गेन, नो प्रॉब्लम। सेकंड वन इज वोल्टता लाभ, मीन्स वोल्टेज गेन। हाँ जी, दूसरा नाम भी हो सकता है, वोल्टता लाभ हो सकता है, या नहीं, धारा लाभ हो सकता है या धारा परिवर्धन हो सकता है। उसी प्रकार वोल्टता लाभ हो सकता है या वोल्टता परिवर्धन मीन्स एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है, एम्प्लीफिकेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा कि इनपुट की तरफ कितना प्रतिरोध है, आउटपुट की तरफ कितना प्रतिरोध है, मीन्स निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पेडेंस। बोर्ड के राइट साइड में काम हो रहा है, बोलना नहीं है। उसके बाद क्या, निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा मीन्स आउटपुट इम्पेडेंस। इतना काम हुआ। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? एक चीज कंप्लीट हो चुकी है अपनी, धारा लाभ का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। याद होगा शायद आपको कि धारा लाभ क्या निकला था, ए आई एक की वैल्यू निकली थी एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच नोट ई, साथ में क्या निकला था, ये फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया था धारा लाभ। पढ़ क्या रहे थे, उभयनिष्ठ। वैसे लेक्चर के टैग से आपको पता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, लेकिन टॉपिक को शुरू करने के लिए धीरे धीरे अपने को चलना पड़ता है। उसके बाद फ्लो में आते हैं, फ्लो में आके टॉपिक कंप्लीटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अपन, ये मत भूलिएगा, बिना लैंग्वेज कोई काम नहीं होने का। जब लैंग्वेज अच्छे से पता होगी, सर्किट डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन जो आपको बताई है वो यदि आपको पता होगी, नो प्रॉब्लम इन एनी स्टेप। उबेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, या उबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में प्रवर्धक, शॉर्ट में मैंने लिखा है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ओके। अब देखिएगा अपन दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, वोल्टता लाभ, ठीक है डियर, नो प्रॉब्लम। मैं रफली छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जो सर्किट डायग्राम अपन ने पढ़ा था, क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम कोई काम नहीं होना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से अपन ने लिया था और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा था, अपन ने उसको क्या बोला था, लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं, एच नोट बोला था, ठीक है ना, एच आई ई बताया था, ई क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ में यहाँ जो करंट इंटर हो रही थी उसको अपन ने आई बी बोला था, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल आपको लेना होता है और यहाँ पर करंट का सिंबल आपको लेना होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये काम इस लेक्चर का नहीं है, प्रीवियस लेक्चर का है। इसका मान क्या होता है, एच आर ई वी नोट होता है, साथ में ये क्या होता है, एच एफ ई मीन्स ये करंट का मान होता है और साथ में करंट होती है इसमें एच एफ ई इंटू, नो प्रॉब्लम, येलो मिला दिया अपने। फिर आपको कहा गया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको लेना रहता है और इस रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, एच नोट ई मीन्स चार, देखिए एच आई एच आर एच एफ और एच नोट। जब अपने हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ा था तो उस हाइब्रिड पैरामीटर में इनकी वैल्यूज क्या है, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इनकी ये जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है ना, डायग्राम थोड़ा सुंदर लगे। फिर आपको क्या लगाना था, लोड रेजिस्टेंस लगाना था। यदि वहाँ पे आपकी दिक्कत थी तो यहाँ पर इजीली इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लोड लगाना होता है, मान आर एल कह सकते हो आप, जेड एल कह सकते हो, मैंने रिप्रेजेंट किया अकॉर्डिंग टू योर बुक। इतनी बातें अपने पास थी और साथ में ये भी था, इस तरफ से जो करंट आ रही थी उस करंट का मान क्या था, आई सी, स्मॉल में था,
स्मॉल आईसी, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये ग्राउंडेड था, मीन्स इमीटर टर्मिनल क्या होता है जिसमें ग्राउंडेड, क्योंकि कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परवर्धक, ठीक है। अब ये इतना टाइम अपने को देना पड़ता है क्योंकि पीछे वाले का जो डायग्राम है वो वापस अपने को यूज करना रहता है, तो इतना टाइम अपने को इसको देना होगा। अब बात करते हैं अपन वोल्टता लाभ की। तो जैसे धारा लाभ मैंने पढ़ाया था जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, तो क्या कहा था, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाई इनपुट करंट। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डरते हो उस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलोगे, ठीक है। अभी तो छोटे डेरिवेशन है, बहुत बड़े डेरिवेशन भी आने हैं, लेकिन आप चुटकियों में हल करोगे, जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे उसके मुताबिक आपको चलना रहता है। AIE की वैल्यू अपन ने इस वाले फॉर्मूले से निकाली थी, अब इसी प्रकार अपने को क्या निकालना है, वोल्टता गेन निकालनी है, और वोल्टता गेन को किससे डिनोट करना है, AV करते किससे हैं, AV से, लेकिन किसके लिए है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, पैरों में क्या लिख दूं, E, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इमीटर जो टर्मिनल है वो क्या हो चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। पढ़ना आपको आना चाहिए AVE क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए वोल्टता लाभ, मीन्स AVE होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज, इस तरफ अपन आउटपुट क्या निकालते हैं, वी नोट, इस तरफ अपन इनपुट क्या देते हैं, VI दे सकते हो, V1 आप दे सकते हो, ठीक है। मीन्स AVE क्या हो जाएगा, आउटपुट बट्टा क्या हो गया, इनपुट, इक्वेशन नंबर वन। अब मेरे पास वोल्टता लाभ का मान आ जाए, यदि मेरे पास आउटपुट कितना है वो पता हो और इनपुट कितना है वो पता हो, इजीली अपन निकालेंगे, देखिएगा। नाउ उस तरफ वाले टर्मिनल की अगर अपन बात करते हैं कि यहां पर ये आउटपुट क्या है, तो आपको क्या बताया गया है कि आउटपुट कहां निकालिए आप, RL के सिरे पर, ओम का नियम क्या, V बराबर I। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, आउटपुट की तरफ वोल्टेज कितना है, वी नोट, आई कितनी आई है, आई सी, नो प्रॉब्लम। साथ में आर, कौन सा आर लेना आपको, एस नोट ई नहीं, क्या लेना है आपको, आर। लेकिन अच्छी और खास बात की क्या थी, यहां वो भी कह सकते हो आप, आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक, ऐसे भी बोल सकते हो आप, यहां से ये धारा जा रही है, इस तरफ ये धारा जा रही है, तो इस RL के लिए ये धारा चली गई, जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, माइनस मैंने लगा दी। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि यहाँ ये जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, उल्टी करंट की डायरेक्शन रहती है, ठीक है। वी नोट की वैल्यू अपन ने इजीली निकाल ली, लेकिन अब करना क्या है आपको, एच प्राचल की डेफिनेशन काम में लेनी है, ठीक है। और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था और कहा था ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखना है वहीं से, बट वी नो दैट एच पैरामीटर, हाँ जी, एच पैरामीटर मीन्स, एच पैरामीटर के लिए वोल्टेज का मान क्या था वहां पे, वी आई वाला था, मीन्स वी आई तरीका पूरा बताया था, आई बी था, आई बी के साथ एच आई ई, आई बी एच आई ई प्लस आई वन वी टू का फंक्शन होता था, ओरिजिनल जब अपन ने पढ़ा था तो आई वन वी टू का फंक्शन होता था, वी टू एज ए वी नोट है, ये लो वी नोट, ठीक है। साथ में क्या आएगा, एच आर ई, समझ आया, ये आपको कल बता दिया था प्रूफ करके कि कैसे ये इक्वेशन आपको लिखना है कि आई बी एच आई प्लस एच आर ई वी नोट, ठीक है। वापस अपन क्यों करें, क्योंकि अपन उससे आगे चल रहे हैं आज वाली क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम पर बता दीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर है, कोई कोताही नहीं बरतते, इस प्लेटफॉर्म पर आपसे कभी दूरियां नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, आप बताइएगा, बताने के बाद हम उस पर अमल करेंगे और आप तक आंसर पहुँचाने की 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिएगा, वी नोट का मान अपने पास है, पहले इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन टू, इन इक्वेशन थ्री। अब ऐसा नहीं है थ्री इक्वेशन थ्री से आप घबरा जाओ, ऐसा नहीं है, प्रूफ करवा दिया है मैंने, जब अपन ने पहले उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को एच प्राचल में चेंज किया था तो इक्वेशन दो निकले थे, एक वी आई का निकला था, एक आई सी का अपने पास इक्वेशन निकला था, उसमें अपन ने आई सी वाला काम में लिया था, या क्या काम में ले लिया, मीन्स धारा वाले में तो आई वाला काम में ले लिया, और वोल्टता वाले में क्या काम में ले रहे हैं अपन, वी काम में ले रहे हैं, ठीक, यूज कीजिएगा। वी आई इक्वल
आई बी एच आई ई, फिर क्या है एच आर ई, वी नोट की जगह आई सी इंटू आर एल, कैसा साइन आ गया जी, नेगेटिव साइन। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन चार, वी आई का मान आपके पास है, यहां पर आप वहां से क्या रख सकते हो, वी आई का मान रख सकते हो, मींस वैल्यू पुटिंग कर दो। वी नोट भी आपके पास है, वी आई भी आपके पास है, मींस इक्वेशन टू एंड फोर पुटिंग इन, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन वन क्या मिलेगा आपको, ए वी इक्वल, वी नोट क्या है माइनस आई सी आर डिवाइडेड बाई वी आई, पूरा मॉडिफिकेशन फॉर्म निकाला है अपन ने, आई बी इंटू एच आई ई माइनस एच आर ई इंटू आई सी, साथ में क्या हो गया आर एल। ठीक है, मैं साइड में होता हूँ ताकि यदि आप लिख रहे हो साथ में तो कोई प्रॉब्लम ना आए, बीच में मैं आऊँगा तो लिखने में आपके प्रॉब्लम से रहेगी, इतनी बात होगी। अब देखिएगा इसका अपने को मॉडिफिकेशन फॉर्म लिखना है तो इजीली अपन मॉडिफिकेशन फॉर्म लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे देखिएगा, इस नीचे वाले में से यदि मैं आई बी को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले में से आई बी को यदि मैं कॉमन लूँ तो कॉमन लेने के बाद अपन ऊपर वाले में भाग दे सकते हैं इजीली, जब लिखेंगे तो और अच्छा समझ आएगा, ए वी ई माइनस आई सी आर एल डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं आई बी बाहर लेता हूँ, ले लिया जी, यहाँ क्या रहा एच आई ई माइनस एच आर ई, साथ में क्या है आर एल, इसमें क्या नहीं है आई बी है नहीं तो इसमें भाग लग जाएगा, मीन्स क्या रह जाएगा आई सी अपोन नीचे क्या आ जाएगा, इतनी बात समझ आई, मल्टीपल कर दीजिए आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे, गो टू अपर स्टेप। ओके, और सॉल्यूशन कीजिए, ए वी ई इक्वल माइनस आई सी, इस आई बी को मैं ऊपर भेज देता हूँ, आई सी अपॉन आई बी इंटू क्या हो गया आर, ठीक है पेरो में है ये आई सी, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह जाएगा एच आई ई माइनस एच आर ई इंटू आर एल, आई सी अपॉन क्या रह गया, नेक्स्ट वाला इक्वेशन मान लो इसको पांच। अब देखिएगा आई सी अपॉन आई बी, आई सी क्या है ये वाली, आई बी क्या है, तो देखिएगा आगे वाली धारा माइनस पीछे वाली धारा, अपन ने क्या पढ़ा था धारा गेन पढ़ा था, ए आई ई का मान पढ़ा था, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, कंप्लीट हो चुका इससे प्रीवियस क्लास में, बट आई सी अपॉन आई बी इक्वल ए आई, ठीक है नो प्रॉब्लम। इक्वेशन मान लो छः, इक्वेशन से छः को वापस पुट इन इक्वेशन फाइव, पाँच में रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको ए वी ई इक्वल माइनस ए आई ई, साथ में क्या है जी आर एल डिवाइडेड बाई, वहाँ से चलो एच आई ई माइनस, लास्ट तक बने रहोगे तब समझ आएगा पूरा कंप्लीटली, एच आर ई इंटू आर एल, आई सी बट्टा आई बी क्या है ए आई, ठीक है समय निकालना पड़ेगा, बिना समय निकाले कोई अच्छा काम नहीं होने का, जितना समय आप निकालते हो उतना ही बेनिफिशियल रहता है, आप दीजिएगा उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि आप सीख के गए हैं कि नहीं, ठीक है और बताइएगा हमें, आगे बढ़िए। अब ये मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, बट जो ए आई ई है इस ए आई ई की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी और यहाँ पे भी लिखी थी एच एफ ई अपोन वन प्लस एच नोट ई, साथ में क्या आर एल, इसको कोई नेक्स्ट इक्वेशन ले लीजिए सेवन, इसको इक्वेशन एट, इक्वेशन एट पुट इन इक्वेशन सेवन, जहाँ पे भी ए आई ई है वहाँ पे आप ये वाली वैल्यू पुट अप कर दिए, डायग्राम में रफ नहीं कर रहा क्योंकि आगे दो पैरामीटर और निकालने हैं उनमें भी अपने काम आएगा और आपके साथ साथ पूरा याद भी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट ए वी ई दैट इक्वल, आपका काम हो चुका, आपको जो ए वी ई निकालना था वो आपने निकाल दिया, लेकिन ये किसके पदों में है धारा प्रवर्धन के पदों में, आपको ओनली ये कह दिया जाए कि सिर्फ हमें हाइब्रिड पैरामीटर के पदों में चाहिए, तभी अपने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, ए आई ई ओनली किसके पदों में है हाइब्रिड पैरामीटर के पदों में है, यहाँ अपन ने क्या सीखा ए वी ई इन टर्म ऑफ ए आई ई, बट नाउ वी कैलकुलेट ए ए वी ई इन टर्म ऑफ ओनली फॉर हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, ए वी ई इक्वल माइनस रखिए वैल्यू एच एफ ई डिवाइडेड बाई वन प्लस एच नोट ई इंटू
RL हो गया अपना काम, साथ में RL था डिवाइडेड बाई यहां से चलिए HIE माइनस HRE RL इंटू AIE की जगह HFE डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच नोट ई, साथ में क्या हो गया जी आर। बस मैथमेटिक्स लगा दो, फिजिक्स का काम हो चुका है, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी होता है। एच एफ ई आर एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच नोट ई आर। मैं क्या करता हूँ जी, ये वाली स्टेप है उसमें नीचे से 1 प्लस एच नोट ई आर एल एलसीएम ले लेता हूँ, ले लिया। इसके पास 1 है तो क्या हो जाएगा, जो एलसीएम लिया वो मल्टीपल 1 प्लस एच नोट ई, साथ में क्या हो गया आर एल। ओके, नेक्स्ट स्टेप माइनस, इसका इसमें डिवाइडेशन दिया 1 टाइम चला गया और 1 को ऊपर वाले से मल्टीपल माइनस एच आर ई एच एफ ई इंटू आर। इस वाली स्टेप से ये वाली स्टेप 1 टाइम चली गई, कभी कैंसिल नहीं होती, भाग जाता है कितनी बार, एक बार, ठीक है ना। आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। माइनस एच एफ ई इंटू आर एल, नीचे क्या रहा मल्टीपल कर दो एच आई ई फर्स्ट, नेक्स्ट आगे प्लस एच आई ई एच नोट ई मल्टीपल बाई आर एल माइनस एच आर ई एच एफ ई मल्टीपल बाई, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन देख के आप घबरा जाते हो, क्यों, डट के मुकाबला करना, कितनी बार कह चुके, ए वी ई, ठीक है। पढ़ो आगे, माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन, ये अलग है, अलग ही पढ़ा रहने दो, प्लस इन दोनों में से अपन आर एल बाहर ले सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ले लो आर एल। अंदर क्या रहा फर्स्ट स्टेप में, एच आई ई एच नोट ई माइनस एच आर ई एच एफ ई। जब आपको मैंने बताया था कि एक सामान्य परवर्धक जो अपन ने एच पैरामीटर में चेंज किया था, या इससे पीछे वाला परवर्धक अपन ने पढ़ा था, तो एच आई ई एच नोट ई माइनस एच आर ई एच एफ ई एक मैट्रिक्स होती थी, उसको अपन क्या लिखते थे, डेल्टा एच। यहाँ वापस देख लीजिए, डेल्टा एक एच एक मैट्रिक्स होनी है, ये एलिमेंट एच आई ई होगा, ठीक है, और ये एलिमेंट एच नोट ई होगा, दिस इज एच आर ई दिस इज एच एफ ई, ऐसे ही लिखते हैं हमेशा मैट्रिक्स को, ऐसे ही लिखते हैं पहले इनपुट, उसके बाद रिवर्स बाइस, फिर फॉरवर्ड बाइस, फिर आउटपुट का मान, ठीक है ना। बढ़िया, आगे अब देखिएगा इसको, इस मैट्रिक्स का हल कैसे करते हैं, पहले यो मल्टीपल करते हैं, माइनस लगा के यो मल्टीपल करते हैं, पहले यो मल्टीपल कीजिएगा एच आई ई एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर। इसका मीनिंग आप क्या समझे, यहां पर ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है वो क्या है जी, डेल्टा एच है। देन ए वी ई मीन्स वोल्टेज गेन इक्वल माइनस एच एफ ई आर एल डिवाइडेड बाई एच आई ई प्लस आर एल, आर एल के साथ में क्या हो गया डेल्टा एच। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो आपको जो भी पैरामीटर है आर एल को छोड़कर, आर एल की जगह आप जेड एल भी ले सकते हो, दिस इज माई सजेशन, आप पर डिपेंड है पूरा। मीन्स अपन ने पूरी ए वी ई की वैल्यू निकाल ली और अपने पास हाइब्रिड पैरामीटर में निकल के आ रही है, मीन्स जो कि वोल्टता लाभ है, जो कि वोल्टता लाभ है तथा केवल संकर प्राचल के पदों में है, संकर प्राचल मीन्स हाइब्रिड पैरामीटर के पदों में है, समझ पाए क्या है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया कि वोल्टता लाभ कैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या निकली याद रखनी है, क्योंकि जब आप इनपुट निकालोगे आउटपुट निकालोगे तब ये वाली वैल्यू आपके काम में आनी है, पीछे वाले में आपने देखा होगा सारी वैल्यू आगे वाले में काम में आ रही थी। नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, समझ आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। फिर भी यदि कोई क्यूरी रह जाए तो हम तैयार हैं आपके लिए, बताइए आप टेलीग्राम पे।
ठीक है जी। आइए अपने थर्ड वाले टास्क पे, वो फॉर्मूला याद रखना वहां से, ठीक है। थर्ड वाला अपना टास्क क्या होता है, निवेशी प्रतिरोध या निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है, निवेशी प्रतिबाधा किससे डिनोट करते हैं जी, और निवेशी प्रतिबाधा होगी कौन सी। यहां पर जो प्रतिबाधा है, देखिएगा यहां पर जो प्रतिबाधा है वो अपन क्या लेंगे, निवेशी प्रतिबाधा लेंगे, और निवेशी प्रतिबाधा को किससे डिनोट करेंगे, एच आई ई। अब सुन लो, आपकी बुक में लिख रखा है आर आई ई, मीन्स निवेशी प्रतिबाधा को आपकी बुक क्या बोलती है, निवेशी प्रतिरोध, और बुक किससे रिप्रेजेंट करती है इसको, आर आई, ठीक है। मैं पहले ही जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ, आप आर आई ई लीजिए चाहे जेड आई ई लीजिए, ठीक है ना। आर आई ई लोगे तो आप निवेशी प्रतिरोध बोल दोगे, ठीक है, और यदि जेड आई ई लोगे आप तो निवेशी प्रतिबाधा बोल दोगे, ठीक है ना। वापस वही बात, वी बराबर क्या लगाना है आपको, आई आर, आर बराबर क्या हो गया, वी अपोन, देखिएगा निवेशी प्रतिबाधा, मैं प्रतिबाधा लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। प्रतिरोध रख लो क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग रहेगा पूरा डेरिवेशन, तो प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। इस तरफ देखिएगा, V का मान क्या है, इनपुट की तरफ, इनपुट की तरफ अपने को V देखना है, और अपन ने क्या दिया है, वी आई, इनपुट की तरफ करंट कितनी फ्लोविंग हो रही है, आई बी, वी आई अपोन नीचे क्या आ गया, आई बी। बस आपको निवेशी प्रतिरोध मिल जाए यदि आपके पास आई वन और आई बी का मान है। इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, वी नो दैट बाई हाइब्रिड पैरामीटर डेफिनेशन, दो इक्वेशन आपको बताए थे, वी नो दैट फ्रॉम हाइब्रिड पैरामीटर इक्वेशन, और इक्वेशन में आपको वी आई ज्ञात करना होता था, या वी वन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। वो क्या होता था, ये आई बी इंटू एच आई ई प्लस क्या होता था, एच आर ई इंटू वी नोट प्लस एच आर ई वी नोट। हाँ, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, यदि आपको इसको याद रखने में प्रॉब्लम है तो थोड़े से टाइम यहाँ पर जो वोल्टेज आपने दिया है उसका कंपेरिजन कीजिए, और यहाँ पर थोड़े से टाइम किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, समझ लीजिए। यदि याद आपके नहीं रहता तो दूसरा मैनर भी है, सारे फंडे आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर थोड़े से टाइम किरचॉफ का नियम लगाइए, और ये टर्मिनल प्लस होता है, ये टर्मिनल माइनस होता है, प्रवर्धक का कैरेक्टर है वो, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी प्लस होता है और ये भी माइनस होता है, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाइए। और मैंने पढ़ाया था, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ, आपको कहा था वोल्टेज से थोड़ा आगे निकलिए तो आपके पास ब्रांच आ चुकी, एक ब्रांच आ चुकी जहाँ से धारा क्या फ्लो हो रही है, आई बी, और वहाँ पर प्रतिरोध क्या है, एच आई ई, मीन्स मैंने इसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाला वी बराबर आई आर से, तो आई आई बी है, आर ई क्या है, एच आई। फिर मैं थोड़ा सा आगे चला, आगे चलने के बाद एक वोल्टेज मेरे पास और आ गया, प्लस कर दिया, वोल्टताओं का बीजगणित योग होता है किरचॉफ का नियम, और यहां पर मान कितना है, एच आर ई इंटू वी नोट। फिर मैं घूमा, घूमने के बाद जैसे ही मैं चला कैसा टर्मिनल आ गया, नेगेटिव, तो मैंने ही बताया था किरचॉफ के नियम में यदि आप लूप बनाओ और पहले नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो नेगेटिव टर्मिनल का साइन आप यहाँ डिनोट करोगे तो माइनस आ गया, और वहाँ वोल्टेज कितना है, वी आई बराबर जीरो। इस इक्वेशन से यदि वी आई निकालोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, आई बी इंटू एच आई ई प्लस एच आर ई इंटू वी नोट। यदि समझ आया है तो ठोक दीजिए, क्योंकि दो तरीके आपको बता दिए, समझ गए आप इजीली कि वी आई का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन दो, ये ले सकते हो या ऊपर लैंग्वेज लिखे ले सकते हो बाई के वी एल, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन टू यूजिंग इन इक्वेशन वन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक। इक्वेशन टू यूजिंग इन वन क्या है जी, आर आई ई इक्वल वी आई आपके पास क्या है, आई बी इंटू एच आई ई प्लस वी नोट साथ में क्या है, एच आर ई, हो चुका अपना काम, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है, आई बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन देंगे, डिवाइडेशन देने के बाद अपन सॉल्यूशन से करेंगे, ठीक है।
दे दीजिएगा, सब पता है आपको जो मैं करने वाला हूँ। आर आई इक्वल आई बी का भाग तो अलग अलग, यहाँ क्या रहा एच आई ई प्लस वी नोट एच आर ई, नीचे क्या रह गया आई बी। लेकिन बताइए आप मेरे को, वी नोट क्या पढ़ा था अपन ने, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज वी बराबर आई आर, तो क्या था आई सी था, साथ में आर एल था, लेकिन दिशा कैसी थी नेगेटिव। दो तरीके इसके भी बताए थे, इधर आ रही है तो नेगेटिव ले लो, साथ में जो धारा निकल रही है इस टर्मिनल से किरचॉफ का नियम में जाने वाली धारा नेगेटिव होते। वी नोट की जगह वैल्यू पुट अप करिए, आर आई ई इक्वल एच आई ई प्लस एच आर ई अपोन आई बी, ये बी है। कई बार होता है, मैंने भी देखा है, मैं बोल तो आई बी देता हूँ लिख आई ई देता हूँ, ठीक है ना, तो वो एरर नहीं होती, ठीक है ना, वो थोड़ी जल्दीबाजी में लिखा जाता है अपने से, माइनस आई सी इंटू आर एल, ठीक है, आर आई ई। और जब छोटी एरर हो जाती है तो उतना तो मेजरमेंट आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा एच आई ई मल्टीपल करिए माइनस एच आर ई इंटू आर एल, मल्टीपल क्या आई सी, नीचे क्या आ गया आई बी। अब मेरे को आप बताइए आई सी बट्टा आई बी क्या है, यहाँ पे आइए, आई सी बट्टा आई बी अपन ने पढ़ा था धारा का प्रवर्धन गुणांक, बट ए आई ई अपन ने पढ़ा है और वो क्या था आई सी बट्टा आई बी। देन वी कैन फाइंड आउट, देन वहां से देखिएगा आर आई ई इक्वल एच आई ई, ठीक है, माइनस एच आर ई आर एल टोट, साथ में क्या आ गया ए आई ई। ये लो, ये क्या हो चुका आपके लिए निवेशी प्रतिरोध का मान आ चुका, लेकिन कंप्लीटली निवेशी प्रतिरोध का मान कब आए आपको ये भी कहा जा सकता है, मुझे ओनली फॉर हाइब्रिड पैरामीटर में चाहिए, क्योंकि अपन सारा सॉल्यूशन किसकी मदद से कर रहे हैं, हाइब्रिड पैरामीटर की मदद से कर रहे हैं। तो अपन ने निकाला था और बताया भी था ए आई ई क्या होता है, एच एफ ई डिवाइडेड बाई वन प्लस एच नोट ई इंटू आर, ठीक है। यहाँ ए आई ई की वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको आर आई ई इक्वल एच आई ई माइनस एच आर ई इंटू आर एल इंटू एच एफ ई डिवाइडेड बाई वन प्लस एच नोट ई इंटू आर। समझ पाए आप इतना पूरा कि कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे, इसको थोड़ा सा सुंदर लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ चुका। आर आई ई इक्वल एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई डिवाइडेड बाई वन प्लस एच नोट ई इंटू आर, ठीक है, मल्टीपल बाई जो कि निवेशी प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा को व्यक्त करता है, किसमें, केवल संकर प्राचल में, संकर प्राचल के पदों में। आगे थोड़ा और भी कर सकते हो आप, कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, ऊपर मल्टीपल कर दो, यदि मैट्रिक्स बन रही है तो मैट्रिक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। ये अपन ने पढ़ लिया कि कैसे अपन यहाँ पर निवेशी प्रतिरोध का मान निकालते हैं, मीन्स यहाँ पर जो प्रतिरोध था इस प्रतिरोध का मान अपन निकाल चुके। नेक्स्ट एंड लास्ट टास्क क्या है कि इस वाले लूप में, इधर वाला जो लूप है वहाँ पर प्रतिबाधा का मान अपन क्या लेके चलते हैं वो भी अपने को निकालना, मीन्स अब अपन डिस्कशन करेंगे इस वाले लूप में जो प्रतिबाधा है, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे जेड आउटपुट के लिए प्रतिबाधा। आपकी बुक में R लिख रखा है तो अपन कहाँ मिलेंगे, निर्गत प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध को किससे डिनोट कर देंगे R नोट E, ठीक है, समझ आया ये पूरा। डरने वाली बात है क्या, आप डर जाते हो कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं डरना आपको, बढ़ो आगे, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, ये भी अपना काम है और काम करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टास्क, निर्गत प्रतिबाधा या फिर आप बोल सकते हो प्रतिरोध, मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस,
समझ पाए आप पूरा? हाँ जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बिना ओम के नियम कोई काम नहीं होना, और ओम का नियम जिसको नहीं पता ये तो हो ही नहीं सकता। वी बराबर आई आर, आपको क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए, तो आर बराबर क्या हो गया? वी अपोन आर। आपके पास प्रतिरोध क्या होगा? जेड आउटपुट, आउटपुट है लेकिन किसके लिए? उपेनिष्ठ उत्सर्जक। पैरों में मैंने हल्का सा ई लगा दिया, ई लगाते ही मैं समझ गया कि अब किसकी बात हो रही है, उपेनिष्ठ उत्सर्जक के लिए आउटपुट प्रतिरोध की बात हो रही है। लगाइए अपने पास, आउटपुट की तरफ चलो, आपको वोल्टेज का मान कितना दे रखा है? वी नोट दे रखा है, ठीक है, रख दीजिए वी नोट। आउटपुट की तरफ जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी है? इक्वेशन नंबर, चलो अपना डेरिवेशन यहाँ से शुरू हो गया। अब खास बात क्या है कि यहाँ से यदि अपने को वी नोट अपॉन आई सी का रेशियो पता लग जाए तो अपना काम हो सकता है, ठीक है इजीली। अब आप बताइए, अभी मैंने बताया था IC का मान कैसे निकालते हैं, देखिएगा धारा IC आपको निकालनी है तो दो तरीके हैं आपके पास, सीधा लिख सकते हो we know that condition of hybrid parameter, लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गए और वहां पर अपन ने निकाला था IC, ठीक है ना, कि ये करंट कितनी है, तो मान था इसका HFE, इधर से करंट आ रही थी वो वाली, इंटू IB, प्लस साथ में था H नोट E इंटू V नोट। देखिएगा ध्यान से, H नोट E इंटू क्या था? V नोट। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन टू, इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे अपन ने इधर पढ़ा था तो इस तरफ एक कहा था कि यहाँ से जो वोल्टेज का मान है उस वोल्टेज का मान मैं यहाँ से सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार अपन यहाँ पे भी चलेंगे कि आपको करना क्या है, तो इधर जैसे वोल्टेज अपन सॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पर धारा का जो सोर्स है उसको थोड़े टाइम के लिए, मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज वी नोट है, सुनिए ध्यान से, इस वोल्टेज वी नोट को थोड़े से टाइम में क्या कर रहा हूँ? सॉर्ट नहीं कर रहे हैं अपन, ओपन सर्किट कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़े से टाइम के लिए यदि इसको ओपन सर्किट कर दिया तो अब आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, आप रूल लगा सकते हो, इस प्रकार से लूप बन सकता है, ठीक है। जैसे ही इस प्रकार लूप बना तो देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? एच नोट ई, ये लो, एच नोट ई से करंट कितनी? आई सी। इस तरफ देखिएगा एच एफ ई इंटू क्या? आई बी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है? एच एफ ई आई बी, ठीक है, प्लस एच नोट ई इंटू आई सी। लेकिन खास बात क्या ध्यान में रखनी है आपको यहाँ पर, देखिए एच एफ ई इंटू आई बी हो चुका, फिर एच नोट ई इंटू क्या हो चुका? आई सी। लेकिन अपने को वी नोट वाला टर्म चाहिए होता है, तो वी नोट वाला टर्म चाहिए, तो आप क्या करते हो, जब प्रवर्धक अपन पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर में, अपन ने देखा था धारा लौट कर वापस किसके पास आ रही थी? एच आई ई के पास आ रही थी। कॉन्सेप्ट पकड़ने का पूरा प्रयास करना कि वन वन टर्मिनल की ओर, वन वन टर्मिनल की ओर जब आप आउटपुट का मान निकालो, तो पीछे वाले प्रवर्धक में भी मैंने बताया था यदि यहाँ कैलकुलेशन करो तो आप वन वन टर्मिनल की ओर क्या लगा दो? किरचॉफ वाला नियम लगा दो, ठीक है इजीली। मीन्स आप यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाओगे इनपुट वाले, अपन आउटपुट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और चतुर्थ टर्मिनल जाल में भी अपन ने निर्गत वोल्ट का निर्गत और जो निवेशी प्रतिबाधा थी उनका मान निकाला था, इसी कॉन्सेप्ट से अपन ने निकाला था। इस बार अपन यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रूल कौन सा काम में लेंगे? यहाँ वाला, सारे प्रवर्धक में यही है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे देखिए करंट कितनी आ रही है फेस्ट में? आई बी। ये थोड़ा ब्लैंक हो चुका, यहाँ पे करंट आई बी आ रही है, मैं वोल्टेज निकाल रहा हूँ, रेजिस्टेंस कितना है? एच आई। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है? एच आर ई इंटू वी नोट। इस तरफ मैं बढ़ा, मेरे पास वोल्टेज माइनस वी आई है, लेकिन मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो ये मेरे पास विद्यमान है ही नहीं, वोल्टताओं का योग क्या हो गया? जीरो, ठीक है इतना। अब आपको यहाँ से आई बी की वैल्यू ढूंढनी है, और आई बी की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है, देखते जाइए क्या होगा। आई बी एच आई, मैं कह देता हूँ कोई सा भी प्रवर्धक पढ़ो, ठीक है, उसमें जब आप निर्गत प्रतिबाधा की बात करते हो तो ये कॉन्सेप्ट सारों में आप लगाओगे, कोई सा भी प्रवर्धक
क्यों ना हो, तो एक बार सीख लो हर जगह काम आएगा। एच आई एच आई बी एच आई ई इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस एच आर ई इंटू वी नॉट। यदि यहाँ से मैं आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो माइनस एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई इंटू वी नॉट, आई बी मिल गया मेरे को। इसको मैं ले सकता हूँ इक्वेशन तीन, इक्वेशन तीन को इक्वेशन दो में आई बी की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यूजिंग इन इक्वेशन टू, दो में यूज करो, यहां से आइए आई सी इक्वल एच एफ ई, ये लो साथ में आई भी आ गया, क्या रखना है माइनस एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई, समझ गए। साथ में यहां पर क्या आ रहा है वी नोट, नो प्रॉब्लम। फिर आगे बढ़ो प्लस एच नोट ई, साथ में क्या आ गया वी नोट। सोल्यूशन कीजिएगा आई सी इक्वल, मल्टीपल करो उसको, इधर ले आओ थोड़ा सुंदर लगे देखने में, एच नोट ई इंटू वी नोट माइनस एच एफ ई एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई, देख सकते हो आप सुंदर लगने लगा, इसकी कंपेरिजन में ये ठीक लग रहा है, ठीक है। आई सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी, मैं इस आई सी की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखने वाला हूँ, इक्वेशन वन में रखने वाला हूँ और सॉल्यूशन करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आई सी इक्वल दोनों में से वी नोट में बाहर लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई। इसको आप इक्वेशन मान लो कोई, कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर है, इक्वेशन फोर यूजिंग इन इक्वेशन वन, इसका कोई काम नहीं है। इक्वेशन फोर यूजिंग इन, रख दीजिए जेड नोट ई इक्वल वी नोट अपॉन आई सी, वहां से उठाइए वी नोट एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई। वी नोट से वी नोट कितने टाइम चला गया, वन टाइम चला गया, ठीक है। आगे सॉल्यूशन कीजिएगा जेड, यदि आप जेड लेके चल रहे हो तो जेड लिखना, आपको आर लेके चल रहे हो तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप क्या लेके चलोगे आर, ठीक है ना। तो आर नोट ई, फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार बताने की मेरी आदत है, एच आई ई, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको पता लगा कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा एच आई ई एल सी एम लिया तो इससे मल्टीपल कर दो, तो एच आई ई एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर ई, नीचे का नीचे कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया, मीन्स आर नोट ई इक्वल एच आई ई डिवाइडेड बाई, नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म आप जानते हो कि ये क्या होता है, ठीक है ना। एच आई ई एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर ई। नेक्स्ट टर्म बट बताइए क्या है, डेल्टा एच का मान, ये एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसका मान क्या होना है एच आई ई एच नोट ई माइनस एच एफ ई एच आर, याद करवा देंगे आपको, यदि बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। एच आई ई इनपुट होता है, यहाँ पे आउट, पहले इनपुट देते हैं तभी क्या निकलता है आउटपुट निकलता है। साथ में दो फैक्टर और होते हैं, एक एच आर वाला काम में आता है और दूसरा एच एफ वाला काम में, पहले यू मल्टीपल करते हैं फिर इस प्रकार से मल्टीपल करते हैं, निगेटिव साइन लेके। देन क्या मिला यहाँ से, आर ओ ई या जेड ओ ई इक्वल एच आई ई डिवाइडेड बाई डेल्टा, कितने इक्वेशन हो गए थे चार, ये लो समीकरण पांच। समीकरण पांच उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए निर्गत प्रतिबाधा या निर्गत प्रतिरोध का मान है, ठीक है, लिख देते हैं समीकरण पांच उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास प्रवर्धक के लिए निर्गत प्रतिबाधा का मान है, निर्गत प्रतिबाधा का मान है। दिस एम्प्लीफायर
विल बी कंप्लीटेड। अब एम्पलीफायर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, इनपुट की तरफ आ रहा है और कहाँ चला जाएगा आउट। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि अपने को वो दिखाई देगा, कोई सर्किट पड़ा है उसको अपन देखेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि ये इसका परिवर्तन कर रहा है। एक क्लास में आपको बताया है किस प्रकार से परिवर्तन दिखाई देता है, ऑसिलोस्कोप के द्वारा अपने को दिखाई देता है। वहाँ पर अपन वेवफॉर्म जनरेट करते हैं और वहाँ आइडिया लगाते हैं कि एम्पलीट्यूड यदि इनपुट की तुलना में आउटपुट का ज़्यादा आ गया, दिस विल बी डन, अपन कह सकते हैं कि प्रवर्धक अपना काम कर चुका। ठीक है, अब एक खास बात और है, जब भी पढ़ाते हैं तो साइड में इस प्रकार आते हैं कि यदि आप स्क्रीनशॉट लेके उनका पीडीएफ बनाओ, ठीक है, तो आप इजीली पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज लिखना पूरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। लास्ट तक मैं उम्मीद करता हूँ आप बने रहे, क्लास थोड़ी लंबी रही क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक क्लास में अपने को कंप्लीट करना होता है, दूसरी क्लास में अपन बचा हुआ टॉपिक ले नहीं सकते क्योंकि हर एक दिन हमारा प्रयास है आपके लिए कुछ नया मैटर है। लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।